फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, आपकी ह्यूज डिमांड पे आज मैं आपके लिए सोनी एक्स 90L टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में मैं इस टीवी का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगी। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि क्या ये टीवी पिछले साल के मॉडल X90K का रियल अपग्रेड है भी कि नहीं। अभी फिलहाल सोनी एक्स 90L टीवी 55, 65 और 75 इंचेस में अवेलेबल है। टीवी की परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग साइज चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। बॉक्स के अंदर टीवी के साथ एक पावर कॉर्ड, 2 पीसेस ऑफ मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, 4 बॉटल शेप्ड स्क्रूज जो वॉल माउंटिंग के काम आते हैं, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो वो सुपर्ब है। टीवी को देखकर ही इसके प्रीमियम होने का एहसास हो जाता है। ये 55 इंचेस का टीवी भी बहुत ही भारी है क्योंकि इसमें डीलेट बैकलाइटिंग के साथ साथ हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक और मेटल का लिबरल यूज किया गया है। टीवी के बेजल्स ना के बराबर है, बस एक एल्यूमिनियम डार्क सिल्वर फ्रेम दिया गया है जो साइड से टीवी को एक बॉक्सी अपीयरेंस ग्रांट करता है। इसका मिनिमलिस्टिक वन स्लेट डिजाइन बेजल को स्क्रीन के साथ फ्यूज करके टीवी का व्यूइंग एरिया मैक्सिमाइज कर देता है। पीछे की ओर ऊपर की साइड को बहुत ही ब्यूटीफुली कर्व्ड करके बेजल में सीमलेसली फ्यूज किया गया है। बैक में दिया गया स्मॉल ग्रिड पैटर्न डिजाइन टीवी को पीछे से भी एक प्रीमियम और स्टाइलिश लुक इम्पार्ट करता है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में दिया गया है जिससे उन्हें यूज करना काफी आसान हो जाता है। टीवी के लेग्स मेटालिक हैं जो स्लिम वेज डिजाइन के साथ आते हैं। लेग्स बेजल से फुली मैच होते हैं और उनके क्रॉस सेक्शन में डायमंड कट डिजाइनिंग दी गई है जिससे ये भारी होते हुए भी लाइट वेट और थिन लगते हैं। लेग्स को टीवी में फिट करने के लिए किसी भी स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इनको टीवी के नीचे दिए गए हॉलो स्पेसेस में क्लिक करके फिट कर देना होता है। लेग्स को टीवी में फिट करने के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लेग्स में दिए गए इन स्क्रूज को ऊपर नीचे करके टीवी की हाइट को बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा टीवी में टेबल की विड्थ के अकॉर्डिंग लेग्स का वाइड या नैरो अरेंजमेंट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी बहुत ही स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। रिमोट स्टैंडर्ड है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और साइज में भी ये छोटा है। रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी लिव, यूट्यूब प्राइम वीडियो और यूट्यूब म्यूजिक के डायरेक्ट बटन मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात की जाए तो इस टीवी में 4 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं और चारों ही पोर्ट्स का HDCP वर्जन 2.3 है। HDMI 1 एंड 2 पोर्ट्स 2.0 स्पेसिफिकेशन के साथ आती हैं, जबकि HDMI 3 और 4 पोर्ट्स 2.1 के साथ हैं। HDMI 3 और 4 में ऑटो लो लेटेंसी मोड और वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ साथ 4K एट 120 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन दिया गया है। HDMI 3 पोर्ट EARC सपोर्ट के साथ आती है। इस टीवी में HDMI CEC और ARC दोनों ही दी गई हैं। आप एक ही रिमोट से कई कंपैटिबल पेयर डिवाइसेस ऑपरेट कर सकेंगे। इस टीवी में 2 USB पोर्ट्स, 1 ईथरनेट पोर्ट, 1 डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट पोर्ट और 1 एनालॉग ऑडियो आउट 3.5 mm पोर्ट दी गई है। टीवी में एक USB 3.0 पोर्ट भी है। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ आता है। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी दिया गया है। अब बात करते हैं कंपनी मेंशन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये 4K टीवी सोनी के कॉग्निटिव प्रोसेसर XR के साथ आता है। XR कॉग्निटिव प्रोसेसर वाले टीवी सोनी की बेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ आते हैं जिन्हें कंपनी फ्यूचर प्रूफ बताती है। टीवी में 100 हर्ट्ज 10 बिट पैनल लगा आता है। ये डीले टीवी फुल अरे लोकल डिमिंग फीचर के साथ आता है जिसमें HDR10, HLG और डॉल्बी विजन तीनों का सपोर्ट दिया गया है। क्लैरिटी इन्हांसमेंट के लिए इसमें डुअल डेटाबेस प्रोसेसिंग, XR 4K अपस्केलिंग और XR सुपर रेजोल्यूशन दिया गया है। कलर इन्हांसमेंट के लिए इसमें XR ट्राइल्यूमिनस प्रो दिया गया है जो कलर गैमेट को बहुत वाइड बनाकर बिलियन से भी ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस करता है। XR स्मूथनिंग बैंडिंग को रिड्यूस करके स्मूथ पिक्चर्स क्रिएट करती है। कंट्रास्ट इन्हांसमेंट के लिए इसमें XR कंट्रास्ट बूस्टर 10 के साथ साथ पिक्सेल कंट्रास्ट बूस्टर, XR HDR रिमास्टर और डायनेमिक कंट्रास्ट इन्हांसर दिया गया है।
XR-HDR Remaster एक-एक ऑब्जेक्ट्स के कलर्स, ब्राइटनेस, बैंडविड्थ, ह्यू और सैचुरेशन के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करके प्रिसिशन से पिक्चर्स को बनाता है। मोशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें XR मोशन क्लैरिटी दी गई है, जो ऑटो मोड में काम करके टीवी के नेटिव रिफ्रेश रेट को कई गुना बढ़ा देती है। इसके अलावा टीवी में अकॉस्टिक मल्टी ऑडियो दी गई है। इसमें 10+10 वॉट्स के फुल रेंज बेस रिफ्लेक्स स्पीकर्स दिए गए हैं और साथ में है 5.5 वॉट्स के साउंड पोजीशनिंग ट्वीटर्स। ये टीवी डॉल्बी ऑडियो के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको डीटीएस सपोर्ट और सेकंड जनरेशन जूम 2 के साथ साथ 3D सराउंड अपस्केलिंग भी दी गई है। ये टीवी रूम के साइज और व्यूअर की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग साउंड को एडजस्ट करके बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इस टीवी में अकॉस्टिक सेंटर सिंक फीचर भी दिया गया है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको गूगल टीवी UI मिल जाती है। इसमें 32GB का स्टोरेज है। इसके अलावा इसमें ब्राविया कैम सपोर्ट भी दिया गया है। टीवी में डेडिकेटेड गेम मोड है और HDR टोन मैपिंग दी गई है, जो PS5 HDR गेमिंग करते समय आपको बेस्ट HDR पिक्चर सेटिंग्स दे देती है। टीवी में ऑटो जॉनर पिक्चर मोड भी है, जो गेम्स से मूवी पे स्विच ओवर करने पे स्टैंडर्ड मोड को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है। कंपैटिबल हेडफोन्स को इस टीवी से कनेक्ट करने पे आपको 3D सराउंड साउंड मिल जाएगी। इसके अलावा ये टीवी बिल्ट इन माइक के साथ आता है और इसमें वॉइस कमांड फीचर भी दिया गया है। तो ये तो थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेन में रिलीज हुआ सोनी X90L टीवी इस इंडियन वर्जन से थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ के मॉडल में थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा दी गई है, साथ ही साथ डिमिंग जोन्स भी ज्यादा हैं। इंडिया में रिलीज हुआ सोनी X90L टीवी रियल 10-bit डिलेड VA पैनल के साथ आता है। ये टीवी लोकल डिमिंग एग्जिबिट करता है। VA पैनल होते हुए भी टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी अबव एवरेज है और ब्लैक यूनिफॉर्मिटी एक्सलेंट है। टीवी पे डर्टी स्क्रीन इफेक्ट मिनिमल है। टीवी का कंट्रास्ट रेशियो बहुत बढ़िया है, साथ ही साथ ब्लैक्स काफी डीप मिल जाते हैं। टीवी की HDR पीक ब्राइटनेस 1057 निट्स है और HDR पीक ब्राइटनेस 600 निट्स के आसपास है। ये टीवी लास्ट ईयर के मॉडल सोनी X90J और सोनी X90K से ज्यादा ब्राइट है। डिमिंग जोन्स की बात की जाए तो इस टीवी में 8 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकल डिमिंग जोन्स मिलती हैं, जिससे टीवी में टोटल 64 डिमिंग जोन्स कैलकुलेट होती हैं। लास्ट ईयर के मॉडल X90K से इसमें ज्यादा डिमिंग जोन्स देखने को मिल जाती हैं और उनका साइज भी लास्ट ईयर से छोटा है। इस वजह से रात के सीन्स में बहुत बढ़िया एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी बात इस टीवी की ये है कि इसमें ब्लूमिंग ना के बराबर है। बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स हो, स्टारलिट स्काई या फिर किसी बड़ी सिटी की नाइट लाइफ, ये सारे ही सीन्स इस पे ब्यूटीफुली डिस्प्ले होते हैं। रात के इन सीन्स में ग्लोइंग लाइट्स, जेट ब्लैक स्काई का एम्बियंस बिल्कुल भी खराब करती नहीं दिखती हैं। ब्लैक बैकग्राउंड में ये हाई इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। अगर OLED के क्लोजेस्ट के पिक्चर क्वालिटी कोई टीवी दे सकता है तो वो ये टीवी है, क्योंकि इस टीवी के फुल अरे बैकलाइट्स के स्विच ऑन और ऑफ होने का मैकेनिज्म, जिसे हम लोकल डिमिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं, वो इसमें बहुत प्रिसिशन से काम करता दिखता है। कलर्स की बात की जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स भी इस टीवी की पिक्चर सेटिंग्स बहुत बढ़िया हैं। फिर भी आप चाहें तो कस्टम सेटिंग को अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ट्यून कर सकते हैं। ये टीवी क्वांटम डॉट टीवीज के बराबर या फिर उनसे ज्यादा P3 कलर गैमेट कवरेज देता है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे ऐसे समझे कि इस टीवी के कलर्स QLED जितने या फिर उससे ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं और वो एक्यूरेट भी होते हैं। इस टीवी की कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी है। टीवी के ब्लैक्स डिटेल्स को ओवरपावर करते नहीं दिखते हैं। टीवी में बहुत बढ़िया पिक्चर क्लैरिटी देखने को मिलती है। ये टीवी सिनेमैटिकली एक्यूरेट परफॉर्मेंस देने में फुली कैपेबल है। ये मिड रेंज का वो टीवी है जिसपे आपको रियल डॉल्बी विजन एक्सपीरियंस मिलता है। बजट कैटेगरी के टीवीज में चाहे कंपनीज कितना भी डॉल्बी विजन और HDR को फ्लॉन्ट कर ले, सही मायने में आपको उनमें से किसी भी टीवी में डॉल्बी विजन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। डॉल्बी विजन और HDR सिर्फ उन टीवीज में सक्सेसफुल होता है जिसमें 900 निट्स से अबव की ब्राइटनेस होती है। डॉल्बी विजन और HDR का पर्पस होता है कि आप वो सब वैसे ही देख सके जैसे कि फिल्म मेकर आपको दिखाना चाहता है। बजट टीवीज में सीन की एक्चुअल ब्यूटी चली जाती है, क्योंकि सीन में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स वैसे नहीं दिख पाते हैं जैसे वो एक्चुअल में शूट किए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सीन में दिन में बादल घिरे हुए हैं लेकिन साथ साथ बादलों में किनारे पे धूप की चमक है और कहीं कहीं सीन में धूप भी खिली हुई है, तो एक ऑर्डिनरी डॉल्बी विजन HDR टीवी उस सीन को वैसा नहीं दिखा पाएगा। वो दिन में छाई इस घटा के सीन को शाम के सीन में कन्वर्ट कर देगा, जबकि रियल डॉल्बी विजन टीवी में आपको ये पता रहेगा कि अभी दिन ही है लेकिन बादल छाए हुए हैं। ये टीवी अच्छी शेडो डिटेल्स डिस्प्ले करने के साथ साथ बहुत ब्राइट और बहुत डार्क सीन्स की डिटेल्स को भी ब्यूटीफुली डिस्प्ले करता है, जो पेपर में नहीं बल्कि सही मायने में डॉल्बी विजन और HDR टीवीज होते हैं उनमें अंधेरे के सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्प्ले होते हैं। अंधेरे रूम में भी आप हर एक ऑब्जेक्ट को वैसा ही देख सकते हैं जैसा अपनी आंखों से देख रहे हो। हर ऑब्जेक्ट पे और लोगों के चेहरे पे एक अलग सा ग्लो होता है जिससे वो रात का सीन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बजट टीवी की तरह इस टीवी में अंधेरे के सीन्स को अच्छे से देखने के लिए आपको बार बार रिमोट उठाकर सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती हैं। ये टीवी डार्क सीन्स को भी ब्राइट सीन्स की ही तरह ब्यूटीफुली डिस्प्ले करता है। बजट कैटेगरी का कोई टीवी अगर वो थोड़ा ब्राइट भी है तब भी वो डार्क सीन्स की डिटेल्स को तो दिखा देगा लेकिन उस तरह से ब्यूटीफुली और प्रिसिशन से नहीं जिस तरह से ये टीवी दिखाता है। मुझे सोनी की ये X90 सीरीज काफी अट्रैक्टिव लगती है जिसमें प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी एक रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। इसके बाद अगर कोई टीवी लेने की चाह रहती है तो वो OLED टीवीज हैं, लेकिन अच्छे OLED टीवीज हाईली प्राइस्ड होते हैं और फिर कई लोग उन टीवीज में बर्न इन इशू को लेकर भी स्केप्टिकल रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये मॉडल बेस्ट ऑप्शन होने के साथ साथ एक सेफर बेट भी है। टीवी की सेटिंग्स में मोस्टली सारी चीजों को फाइन ट्यून करने के ऑप्शंस दिए गए हैं, साथ ही साथ ऑटो मोड्स भी दिए गए हैं। मोशन सेटिंग्स के लिए भी इस टीवी में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। स्मूथनेस लेवल को 1 और 2 के बीच रखकर और क्लैरिटी को मिनिमम या स्विच ऑफ करके बिना टीवी पे सोप ओपरा इफेक्ट लाए आप मोशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। इस सोनी X90L टीवी का HDR 10 प्लस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये टीवी 24 फ्रेम पर सेकेंड कंटेंट में सेट टॉप बॉक्स के थ्रू भी पिक्चर स्केलिंग देता है जो आपको बजट टीवीज में नहीं मिलती है। HD चैनल्स के साथ साथ इसपे HD चैनल्स भी काफी अच्छी क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले होते हैं, तो अगर आप इस टीवी पे सेट टॉप बॉक्स लगा कर देखेंगे तब भी आपको काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी। दूसरे कंटेंट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स देखने के लिए भी ये टीवी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्लीन फील्ड व्यू के साथ आपको ब्राइट और कलरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इस टीवी की वीडियो प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया है। ये टीवी अपने हार्डवेयर को बहुत ही इम्प्रेसिवली यूटिलाइज करता दिखता है। टीवी की बैकलाइट भी बहुत यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंसी सैमसंग के फ्लैगशिप मिनी LED QLED मॉडल्स में भी देखने को नहीं मिलती है। उनमें जैसे जैसे लाइट टू डार्क का रेशियो शिफ्ट होता है बैकलाइट की ब्राइटनिंग और डार्कनिंग ऑब्वियस हो जाती है, और फिर इन मिनी LED टीवीज में लाइट एजेस से ज्यादा सेंटर में दिखती है जिससे इमेजेस में एक हल्का सा कॉनकेव लुक आ जाता है। इस सोनी X90L टीवी को डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच शिफ्ट करने में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। इसकी डिलीवरी उन मिनी LED टीवी से काफी ज्यादा कंसिस्टेंट और लेस शेकी दिखती है। इसके अलावा टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग बहुत ही शानदार है। USB पोर्ट के थ्रू आप 4K HDR 10 मूवीज के अलावा लो रेजोल्यूशन मूवीज को भी अपस्केल क्वालिटी में देख सकते हैं। VA पैनल होने के बावजूद टीवी का व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है। एक्सट्रीम एंगल से देखने पे भी पिक्चर्स अच्छी दिखती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंगल से देखेंगे तब भी कलर्स में तो डिग्रेडेशन नहीं दिखेगा लेकिन ब्लैक्स थोड़े फेड हो जाएंगे और बैकलाइट की वर्किंग थोड़ी नोटिसेबल हो जाएगी। ये टीवी ब्राइट रूम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। आप इस टीवी को हाईली इल्यूमिनेटेड रूम्स में वाइट सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। रही रिफ्लेक्शन की बात, तो ये टीवी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन तो हैंडल कर लेता है लेकिन इस पे कोई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं दी गई है, इसलिए आप इसे डायरेक्ट लाइट के ऑपोजिट नहीं रख सकते हैं। टीवी का XR कॉग्निटिव प्रोसेसर ऑटो मोड में हर सीन को ऑप्टिमाइज करता है और कहीं कहीं हाई क्वालिटी वीडियोस प्ले करते समय टीवी की ये प्रोसेसिंग दिखाई भी देती है। टीवी में लाइट सेंसर दिया गया है जो ऑटो मोड में रूम की लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग टीवी में ब्राइटनेस एडजस्ट कर देता है।
ये एडजस्टमेंट बहुत प्रेसिशन और फास्ट होता है, जो आपको ज्यादा नहीं दिखाई देता है। रही बात ऑडियो की, तो इस टीवी के डायलॉग मोड में काफी क्लियर और अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाता है। टीवी की ऑडियो लाउड होने के साथ साथ हाई डेफिनेशन लगती है। एवरेज टीवी के मुकाबले इस टीवी में ज्यादा बूमिंग बेस भी सुनने को मिल जाता है, लेकिन टीवी के स्पीकर से कोई डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट सुनने को नहीं मिलता है। इस टीवी में अकॉस्टिक सेंटर सिंक दिया गया है। अगर आप इस टीवी को सोनी के किसी कंपैटिबल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से कनेक्ट करेंगे तो उसकी ऑडियो इस टीवी के स्पीकर्स के साथ सिंक हो जाएगी और आपको एक इनहांस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जिंदा रहने के मजेदार खेल में ये शहर और मांस जैसा है। वो आगे बढ़ रहे हैं शहरों की ओर। अतीत का कोई भी सबक सीखने लायक नहीं है। अतीत से ऐसे चिपके हो जैसे वो तुम्हारी जान बचा लेगा। तुम पुराने जमाने का सड़ा गला मान डायनासोर की तरह। एक बात तो 12 साल की उम्र से ऐसे जानता था। राजद्रोही भी सच बोलते थे। अब बात करते हैं इस टीवी की स्मार्टनेस की। तो ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको गूगल टीवी यूआई मिल जाती है। इस टीवी की यूआई बहुत ही फ्लूइड है और कोई नोटिसेबल डिले देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि बजट कैटेगरी के गूगल टीवीज में होता है। इस टीवी में आपको 10,000 से भी ऊपर एप्स और गेम्स मिल जाते हैं जिसमें डेली एडिशन होता रहता है। होम स्क्रीन पे आपके फेवरेट जॉनर्स के कॉन्टेंट्स डिस्प्ले होते रहते हैं जिससे आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस सिंप्लीफाई हो जाता है। इस टीवी में एप्पल एयरप्ले, एप्पल एयरकिट और क्रोमकास्ट सभी दिया गया है। आप अपने एंड्रॉइड और एप्पल दोनों ही डिवाइसेस के कंटेंट को इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। इस टीवी का वॉइस कमांड फीचर भी बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। आप रिमोट पे दिए गए गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा टीवी को डायरेक्टली भी वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। इस टीवी से पेयर दूसरे कंपैटिबल डिवाइसेस को भी आप वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। गूगल के अलावा ये टीवी एलेक्सा से भी कंपैटिबल है। इस टीवी में ब्राविया कैम को इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी दिया गया है। आप ब्राविया कैम को सेपरेटली खरीद कर इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। ब्राविया कैम का एक और फायदा ये है कि आप जेस्टर्स के थ्रू भी इस टीवी को ऑपरेट कर पाएंगे। इस टीवी में ब्राविया कोर टेक्नोलॉजी दी गई है जहाँ पे अनलिमिटेड मूवीज होती हैं, जिनमें कुछ आईमैक्स इनहांस्ड मूवीज भी हैं। इस ऐप में आप सिनेमा स्कोप मूवीज को अल्टीमेट क्वालिटी में फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको 80 Mbps तक की प्योर स्ट्रीमिंग मिल जाती है, जो किसी भी दूसरे टीवी पे नहीं मिलती है। इस टीवी में लिविंग डेकोर ऐप भी दिया गया है जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल फोटोज या फिर आर्ट वर्क को एम्बियंट मोड में एज अ स्क्रीन सेवर डिस्प्ले करके टीवी को एक पीस ऑफ आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीवी के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो सोनी का ये टीवी PS5 के लिए एक रीजनेबल प्राइस में परफेक्ट कंपेनियन है। इस टीवी में आपको 40 फ्रेम पर सेकंड से लेकर 120 फ्रेम पर सेकंड का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो मिलकर आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एंजॉयबल बनाते हैं। टीवी के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया हैं और HDR गेमिंग करते समय ब्राइटनेस भी अच्छी मिल जाती है। टीवी PS5 से कनेक्ट करते ही गेम मोड में चला जाता है जिससे इनपुट लैग मिनिमाइज हो जाता है। टीवी का रिस्पांस टाइम भी डिसेंट है, कोई डिले नहीं दिखता है। गेमिंग इस टीवी पे फ्लूइड और लैग फ्री होती है, ना कोई फ्रेम ड्रॉप का इशू आता है और ना ही स्टटरिंग नजर आती है। आप इस टीवी पे गेमिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।